नमस्कार फ्रेंड, आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड में आपको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे डीजी सिंक्रोनाइजिंग पैनल के बारे में कि आखिर डीजी सिंक्रोनाइजिंग पैनल क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड, डीजी सिंक्रोनाइजिंग पैनल वह पैनल होता है जो दो या दो से अधिक डीजी को किसी एक कॉमन बस बार में वो कनेक्ट कर देता है। ठीक है, होता क्या है कि जो डीजी जो रहता है, दो डीजी है, ठीक है, और उसको बिना सिंक्रोनाइजिंग अगर एक ही कॉमन बस बार से कनेक्ट कर दोगे तो वो आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको सिंक्रोनाइजिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। सिंक्रोनाइजिंग होता क्या है कि एक डीजी जैसे आपने स्टार्ट किया, देन सेकंड डीजी जब स्टार्ट किया तो जो फर्स्ट डीजी है, सेकंड डीजी है, वो फर्स्ट डीजी की जो वोल्टेज है और फ्रीक्वेंसी है वो आपस में मैच होना चाहिए, तभी वो डीजी के जो वोल्टेज है उसको आप कॉमन बस बार में दे सकते हैं, अदरवाइज वो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रिया करने के लिए जिस रिले का हम उपयोग करते हैं उसको हम सिंक्रोनाइजिंग रिले कहते हैं। हमने जो उपयोग किया है या यहाँ पे मैं जो दिखा रहा हूँ वो वुडवर्ड कंपनी का है, जिसको इजीजेन कहते हैं। वुडवर्ड कंपनी का दो रिले यूज़ किया गया है। ठीक है, तो दो डीजी है तो आपको दो रिले यूज़ करना पड़ेगा, तीन डीजी है तो तीन डीजी आपको उपयोग में करना पड़ेगा। ठीक है, अब होता क्या है कि डीजी हम कब यूज़ करते हैं, जब इलेक्ट्रिक बोर्ड या गवर्नमेंट के द्वारा जो सप्लाई हो बंद हो जाता है तो हम डीजी का उपयोग करते हैं। ठीक है, और दो या दो से डीजी का उपयोग कब करेंगे जब हमारा लोड एक्सेस है, एक डीजी से हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है, हमारी जो लोड है, हमारी जो रिक्वायरमेंट लोड है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो दो डीजी का उपयोग करेंगे। और जब लोड अगर कम हो जाए तो ऑटोमेटिक वो डीजी को बंद कर देता है। ठीक है, तो ये जो काम करता है सिंक्रोनाइजिंग रिले करता है। अब देखते हैं, ये जो रिले रहता है, जैसे सपोज इलेक्ट्रिक बोर्ड का जो सप्लाई है वो बंद हो गया तो हम एक वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले लगाते हैं जिसको VMR कहते हैं। वो रिले जो रहता है वो वोल्टेज को सेंस करता है। ठीक है, और जब वोल्टेज में किसी प्रकार की वोल्टेज नहीं आती तो वो जो VMR रहता है वो आपका इस रिले है जिसको सिंक्रोनाइजर रिले कहते हैं, उसको कमांड देता है कि इलेक्ट्रिक बोर्ड का सप्लाई बंद हो गया है। ठीक है, अब ये रिले क्या करेगा, हमारे जो डीजी है उसको कमांड देगा और डीजी को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, वापस ये जो रिले है वो चेक करेगा कि जो आउटपुट आ रहा है वहाँ से, डीजी से जो आउटपुट आ रहा है उसकी जो वोल्टेज है और फ्रीक्वेंसी है वो सही है नहीं है। देन उसके बाद में ये ब्रेकर को स्टार्ट कर देगा, फर्स्ट ब्रेकर को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, फर्स्ट ब्रेकर को स्टार्ट किया तो कॉमन बस बार में सप्लाई चला गया और हमारे जो लोड है, जो भी हमारे लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है वहाँ पर सप्लाई चला गया। जैसे जैसे आपको लोड बढ़ेगा, सपोज इसका रिक्वायरमेंट 1000 एम्पियर का है और आपका एम्पियर यहाँ पर करेंट बढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा, सेकेंड डीजी को स्टार्ट कर देगा। तो ये काम कौन करेगा, ये दोनों रिले आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो ये जो सेकंड जो रिले रहता है वो दूसरे सेकंड डीसी को स्टार्ट कर देगा और ये जो ब्रेकर है आपका सेकंड ब्रेकर डीसी का, उसको चालू करने से पहले वो देखता है कि फर्स्ट डीसी का जो वोल्टेज है और फ्रीक्वेंसी है वो इनसे मैच खा रहा है नहीं खा रहा है। ठीक है, तो जब तक सेकेंड डीजी का जो वोल्टेज फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट डीजी के वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं खाएगा तब तक इस ब्रेकर को चालू नहीं करेगा। और इसके लिए ये जो रिले रहता है, जो डीजी के गवर्नर रहता है उसकी स्पीड को कम ज़्यादा करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है और जो वोल्टेज है मैच खा जाता है, जैसे ही वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी मैच करता है वो आपका इस ब्रेकर को चालू कर देता है और ये दोनों डीजी होता है आपस में क्या हो जाता है, कॉमन बस बार में कनेक्ट हो जाता है, मतलब जो डीजी वो सिंक्रोनाइज हो जाता है, इसी को हम लोग सिंक्रोनाइज कहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रिया है वो अभी रिले कर रहे हैं। ठीक है, सिंक्रोनाइजिंग रिले कर रहे हैं। इसके अलावा इसको मैनुअल भी किया जा सकता है, सपोज आपका रिले काम ना करें तो इसमें मैनुअल प्रोविजन भी रहता है। देखिए, यहाँ पे पावर दिया है जो कि एक वोल्टेज का और एक फ्रीक्वेंसी का है, तो इसके द्वारा भी करते हैं, बट हम यहाँ पे मैनुअल की बात नहीं करेंगे, हम रिले की बात करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों डीजी को सिंक्रोनाइजिंग किया जाता है। ठीक है, लोड जब कम हो जाता है तो इस रिले में सेटिंग रहता है कि लोड कम हो जाए तो वो दूसरे डीजी को बंद कर दें या जो भी आप उसमें प्रोग्राम करेंगे उस डीजी को बंद कर देगा और जो रिक्वायरमेंट लोड है उसके अनुसार से आपका सिंगल डीजी चलता रहता है। इस प्रकार से हमारा जो डीजी सिंक्रोनाइजिंग का पैनल काम करता है। दोस्तों, अगर यह जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के इलेक्ट्रिकल्स से रिलेटेड वीडियो को नोटिस आपको मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरा एक ब्लॉग है जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो प्लीज़ उसमें जाकर एक बार जरूर विजिट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।